हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीडीआरएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टेबल के लिए ट्रिक। हम लोग जानते हैं कि संख्या सबसे छोटी इकाई है गणित का। संख्या से ही जोड़ आता है, घटाव आता है, गुना आता है और भाग आता है। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर एक से लेके अनंत तक होता है, एक से लेके अनंत तक लिख सकते हैं, एक से अनंत तक पढ़ सकते हैं। अब संख्या से ही हम लोग एडिशन सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन सीखते हैं और मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, गुना की सबसे छोटी इकाई क्या है? पहाड़ा। गुना की सबसे छोटी इकाई है पहाड़ा। मल्टीप्लीकेशन का सबसे छोटी इकाई है टेबल, है ना जी, टेबल। अब हम लोग जानते हैं कि टेबल एक से दस तक लिखने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, ये अधिकतर लोगों को याद रहता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 11 से लेकर 99 तक लिखने में दिक्कत होता ही होता है। 100 से 999 तक लिखने में दिक्कत होता ही होता है। हम लोग जानते हैं कि दिक्कत होता है, तो दिक्कत को दूर हम ही लोगों को ना करना है जी, तो हम ही लोग करेंगे। आइए हम 11 का टेबल आपको लिख के दिखाते हैं। दोनों को दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर इधर को लिख दीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ध्यान दीजिएगा, इसमें सेम उतार देना है, 22, 23, 44, 55, 66, 77, 88, 99। और यहां पर 10-10 तो नहीं लिख सकते हैं ना, तो यहां पर करेंगे कि ये दोनों को जोड़ देंगे और लिख देंगे, तो ये 110 हो जाएगा। ऐसा ही करना है आपको 11 से 99 तक। अब हम लोग लिख के देखते हैं, कोई भी अंक ले लीजिए। मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं 78 ले लिए, इसका लिख के देखते हैं। दोनों को दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, 8 × 16 = 38, 8 × 32 = 36, 8 × 40 = 48, 8 × 56 = 48, 8 × 76 = 88, 8 × 72 = 88, 9 × 72 = 80 लिख लिए। इसी प्रकार 7 का लिखेंगे, 7 × 14 = 37, 7 × 21 = 28, 7 × 35 = 42, 7 × 46 = 47, 7 × 56 = 59, 7 × 73 = 77। अब इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला जो अंक है इधर उतार दीजिए, 8 6 8 6 4 2 0 8 6 4 2 0 लिख दिए। इसके बाद करना क्या है, ये तीनों अंक को जोड़ लेंगे, ये तीनों अंक को जोड़ लेंगे, ये तीनों अंक को जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ लेंगे, ये सभी को जोड़ लेना है और वहां लिख देना। ध्यान दीजिएगा, 14 और 1 55 और 4 56 और 6 62 और 7 63 और 7 70 78 78 और 8 78। आप गुना करके भी देख सकते हैं, सेम अंक आएगा। ऐसा ही आप 11 से 99 लिख सकते हैं और बिल्कुल ऐसा ही आप 100 से 999 भी लिख सकते हैं। तो है ना शानदार ट्रिक, अपनाना जरूरी है अगर समय का बचत करना है। थैंक यू।